हाँ जी, यूवी रूल के अंदर टोटल तीन टाइप के प्रॉब्लम था जो कवर अप होते हैं, राइट। एक टाइप थी जो कल हमने बेसिक इंट्रोड्यूस की थी, जिसके अंदर दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं एंड आईलेट रूल के अकॉर्डिंगली फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन को हम चूज करते हैं, राइट। ये क्लियर है, राइट। उसी के अंदर जो कल होमवर्क दिया था उसी के रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ। 7.6 था ना, अब जैसे देखो ठीक है, ये दो क्वेश्चन देखो जरा। x इंटू टेन इनवर्स ऑफ x dx इंटीग्रेशन, तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली, ठीक है, आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली क्या जाएगा अपना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/1 एक्स स्क्वायर इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, डीएच। अब इधर प्लीज ये चीज ऑब्जर्व करो, ये चीज ना स्टार मार्क करके नोट कर लेना। यहां पे क्या बना, ऊपर बना एक्स स्क्वायर, नीचे टू बाहर गया तो 1+x² है ना, क्या बना ध्यान से देखो, वन बाय टू x²/1+x² dx, ये क्लियर है, राइट। अब ये चीज ध्यान से स्टार मार्क करके नोट करना, अगर ऊपर डिग्री नीचे डिग्री सेम है, ऊपर डिग्री टू नीचे डिग्री टू, ऊपर डिग्री थ्री नीचे डिग्री थ्री, ऊपर डिग्री वन नीचे डिग्री वन, अगर सेम या ऊपर ज्यादा है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, लॉन्ग डिवीजन, राइट। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, लॉन्ग डिवीजन। अब लॉन्ग डिवीजन में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, इधर आएगा x² + 1, तो एक्स स्क्वायर हटाना तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से, तो क्या आ जाएगा x² + 1, कट के ये कटा तो आ गया -1, तो क्या बन जाएगा, देखो x² / 1+x², दैट इज डिविडेंड बाय डिवाइजर कैन बी रिटन एज क्वोशेंट, दैट इज 1 + रिमाइंडर दैट इज -1 बाय डिवाइजर दैट इज 1+x². ये चीज क्लियर हुई नहीं, क्लियर है पूछ लो, क्लियर हुआ या नहीं, पक्का पक्का पुण्य श्योर। तो इसकी जगह पे हमने क्या लिखा, x² / 2 टेन इनवर्स ऑफ एक्स -1/2 इंटीग्रेशन 1 -1/1+x² dx, 1 का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला a² + x² का टेन इनवर्स, राइट। तो हमारा आंसर क्या आया, x² / 2 टेन इनवर्स ऑफ एक्स -1/2 इंटू, इसका 1 का आ गया एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, एंड वी आर डन विद द इंटीग्रेशन, क्लियर हुआ। हाँ वो भी चलेगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल, फिर प्लस आएगा लेकिन, हाँ बिल्कुल सही चलेगा। श्योर, नेक्स्ट। अब ये देखो जरा, एक लॉगरिथमिक एक अलजेब्रिक, तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट एंड इसको सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स का स्क्वायर एज इट इज माइनस, सॉरी इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन दैट इज x² / 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, 2 पहले आगे आएगा चेन रूल के कारण, लॉग एक्स की पार क्या हो जाएगा 2 - 1 इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x इंटू एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन x² / 2 dx, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट का डेरिवेटिव, पहले पावर 2 का लॉग एक्स एज इट इज इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x इंटू एक्स स्क्वायर सेकंड का इंटीग्रेशन x² / 2। अब देखो ये 2 2 कटा, ये 1x कटा, तो ये बन गया x² / 2 लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन एक्स लॉग एक्स dx। अगेन फिर से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो x² / 2 लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन x² / 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/x इंटू इसका x² / 2 dx। अब देखो 1x कटा,
आया एक्स बाय टू, फिर से एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू, एक ऑलरेडी टू है, एक एक्स स्क्वायर का कारण जो इंटीग्रेशन के कारण टू आ जाएगा, नीचे फोर हो जाएगा, तो ये बना एक्स स्क्वायर बाय टू इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस क्या जाएगा एक्स स्क्वायर बाय फोर प्लस ही। अभी तक ये मैंने ओपन नहीं किया, अब ओपन करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये मेरा फाइनल आंसर आया। क्लियर हुआ कैसे इंप्लीमेंट किया रूल? श्योर, रूल क्या अपना u इंटू वी डीएक्स इंटीग्रेशन, फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन का दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन, तो दिस इज दी यूवी रूल। क्लियर हुआ? श्योर, समझ पा रहे हो? ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? यस सर। ये नोट करो, प्लीज इधर प्लीज, अब सेकंड टाइप के अंदर क्या है, ठीक है, ई की पावर है साथ, ठीक है, तो जैसे ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन, ठीक। अब ये टाइप के अंदर क्या होगा कि यूवी रूल लगाते लगाते दो बार लगाना पड़ेगा, लेकिन दूसरी बार में ये फंक्शन खुद को दोबारा जनरेट कर दे, इंटीग्रेशन करते करते ये खुद को जनरेट कर देगा, ठीक है। सुनने में अजीब लगता है बट ध्यान से देखना, मान लो इसको, इसीलिए इसको आई लेके गया हूं, ठीक है। अब आई लेट रूल के अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल तो सेकेंड, ऊपर फर्स्ट, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट, तो क्या बन गया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ई की पर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पर एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ई की पर एक्स का ई की पर एक्स डी एक्स। देखो ई की पर एक्स साइन एक्स के इंटीग्रेशन के अंदर क्या जनरेट हो गया, ई की पर एक्स कॉस एक्स, तो रूप ई की पर एक्स का सेम रहा, लेकिन साइन का किस क्या रूप बन गया कॉस, ऐसे कॉस का आगे क्या बन जाएगा फर्दर साइन, दोबारा यूवी रूल लगाओ सेम फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो ये e की पावर एक्स साइन एक्स एज इट इज माइनस, और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव कॉस का माइनस साइन, तो प्लस साइन एक्स e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन डीएक्स, राइट, ये आ गया। अब देखो ये तो वापस अपना ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया, तो इसको मैं क्या लिखूंगा आई, तो ये बन गया मेरा ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स, एंड ये आई बना तो ये माइनस आई बन गया माइनस आई, अब क्योंकि इंटीग्रेशन खत्म हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या अपना आई, तो प्लस सी लगा दो, ठीक है। अब ये माइनस आई इधर आके क्या हो गया टू आई, ई की पावर एक्स कॉमन इन दोनों में से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, टू से डिवाइड कर दो तो आई की वैल्यू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस सी। ये समझ में आया पक्का? देख लो राइट, अब यहां पे ई की पावर साइन हो या ई की पावर कॉस हो, ये पर्टिकुलर टाइप है, इसके अंदर ये प्रोसेस चलेगा, ये नोट करो। ये सिलेबस था जो तूने बोला अभी, तूने क्या बोला? तो ये तो खुशी की बात है। ना अच्छा, उनको नहीं आना, तुम्हें आना है, तो तू दुख मना रहा है इस चीज का।
शोक सभा रख लें, चलो नहीं। फिर ठीक है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है सीकेंट क्यूब एक्स, ठीक है ध्यान से देखना। आई लिया, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर से ही हम फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन लेके जाएंगे। कैसे? यस, सीकेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करना सिंपल होता है क्योंकि सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन, और इसका डिफरेंशिएशन इजी है। तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, इसके अंदर आइलेट रूल नहीं लगेगा क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है, ऐसे नहीं चूज कर पाएंगे। ठीक है, इसके अंदर किसका इंटीग्रेशन किसका डिफरेंशिएशन सिंपल है, उसके हिसाब से चूज करते हैं। और ये पर्टिकुलर केस है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड एक्स टेन एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स डीएक्स। अब देखो ये बन गया सेकंड एक्स टेन एक्स माइनस ये आई है, राइट, ये बन गया सेकंड सेकंड एक्स टेन स्क्वेयर एक्स, और टेन स्क्वेयर एक्स को लिखा मैंने सेकंड स्क्वेयर एक्स माइनस वन डीएक्स इंटीग्रेशन। तो ये बन गया सेकंड एक्स टेन एक्स माइनस सेकंड क्यूब एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन, सेकंड एक्स इंटू माइनस वन माइनस सेकंड एक्स इंटू माइनस क्या आ जाएगा, प्लस सेकंड एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन। अब देखो ये आई बन गया ओरिजिनल क्वेश्चन, ये लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा टू वाई, क्या बना सेकंड एक्स टेन एक्स प्लस सेकंड एक्स का इंटीग्रेशन एल एन ऑफ मॉड सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, एंड ये टू से डिवाइड कर दो तो आई की वैल्यू क्या आ गई सेकंड एक्स टेन एक्स प्लस एल एन ऑफ मॉड सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स का मॉड प्लस सी, एंड ये टोटल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा टू, तो ये सेकंड क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन आ गया। तो ये वो फंक्शन है अगेन जिसका इंटीग्रेशन करते करते खुद को जनरेट कर देता। ये दो ही टाइप के हैं चीजें, क्लियर हुआ जल्दी? अब देखो, अब इसके अंदर एक टाइप है हमारी, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ एक फंक्शन दिया होगा, ठीक है, जैसे log x dx इंटीग्रेशन, tan इनवर्स ऑफ x dx इंटीग्रेशन, एक ही फंक्शन। तो भैया फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किसको लें, ले ही नहीं सकते, लेकिन लेना तो है हमें। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वन डॉट, और वन को क्या लेके जाएंगे, इंटीग्रेशन वाला डिफरेंशिएशन वाला, डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है वन का, तो उसका तो फायदा ही नहीं होगा, तो वन को हमेशा इंटीग्रेशन वाला सेकंड फंक्शन लेके जाना। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। अब इसका देखो पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव लॉग एक्स का वन का इंटीग्रेशन, यहां तक क्लियर है, ये एक्स एक्स कटा क्या आ गया एक्स लॉग एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, डन, तो ये लॉग एक्स का इंटीग्रेशन आ गया। अब इधर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन का इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स। अब क्या करोगे, ऊपर डिग्री कम है नीचे डिग्री ज्यादा है, तो लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। अब एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, एक्स स्क्वायर का, नीचे वही दे रखा है, तो इसको टी ले लो, ऊपर डी टी है, तो मैंने क्या किया वन प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिया टी, वन का डेरिवेटिव जीरो, इसका टू एक्स डी एक्स इज डी टी, तो एक्स डी एक्स क्या आ गया, तो ये बन गया एक्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स, या मत कर देना सब्स्टिट्यूशन क्योंकि इसका ऑलरेडी इंटीग्रेशन हो रखा है, तो एक्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ये बन जाएगा डी टी बाय टू, एंड नीचे आ जाएगा वन प्लस एक्स किया टी, तो ये आ गया टी, तो ये आ गया एक्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन बाय टू एज इट इज डी टी बाय टी का इंटीग्रेशन एल एन ऑफ मॉड टी प्लस सी, और टी को वापस ये डाल दो, तो एक्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस हाफ ऑफ एल एन ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। समझ में आया, अगर सिंगल फंक्शन है तो ये लगाना है, ऑनलाइन क्लियर है?
यस सर। चलो नोट कर लो। एक चीज हो रहा है इसमें, ठीक है, इसी एक्सरसाइज में कवर अप होती है, ठीक है, वो है ये e की पार x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ये मैं मंडे को कंटिन्यू करूंगा, इंट्रोड्यूस करा रहा हूं टाइम, ठीक है। क्या है e की पार x के अंदर दो चीजें आएंगी तुम्हें देखने को, एक या तो साइन एक्स या तो कॉस एक्स होगा, वो पहले मैंने बता दिया, इसके अंदर वो खुद को दोबारा जनरेट करेगा। दूसरा ये, इसके अंदर क्या है कि दो चीजें बनेगी e की पावर x के साथ, एक f होगा एक उसका डेरिवेटिव होगा। एग्जाम्पल e की पावर x x स्क्वायर प्लस 2x ऐसा ले लो, या फिर एक एग्जाम्पल ऐसा लो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx इंटीग्रेशन, राइट, या फिर e की पावर x टेन इनवर्स ऑफ x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन, ये लेके जाओ, ठीक है। अब प्लीज देखो जरा, ऑब्जर्व करो, इसके अंदर करना क्या है तुम्हें, अलग अलग कर दो e की पावर x एफ एक्स डी एक्स प्लस e की पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, और सिर्फ एफ एक्स वाला जो फंक्शन है उसी के ऊपर यूवी रूल लगाना है। लेकिन अब कैसे पता चलेगा, क्योंकि फंक्शन तो पता ही नहीं है कौन सा टाइप है, लेकिन इसका देखो डेरिवेटिव करोगे तो ही एफ डैश तक पहुंचोगे, तो इसका डेरिवेटिव करना है। अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है सेकंड का, सेकंड का फर्स्ट का, तो इसको फर्स्ट लेना इसको सेकंड लेना, तो क्या बन गया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e की पर x का इंटीग्रेशन e की पर x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव f डैश x इनटू e की पर x का इंटीग्रेशन e की पर x dx प्लस ये वाला एज इट इज। अब देखो ये एग्जैक्टली कटा प्लस c, तो मेरा फाइनल आंसर क्या है, एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी, ये समझे। तो इसके अंदर से अब देखो साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, कोस का डेरिवेटिव साइन नहीं होता, तो इसको एफ लेना है, ये क्या आ जाएगा एफ डैश, तो क्या बन गया ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन अलग कर दिया, एंड इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स कोस एक्स अलग कर दिया, और ये एफ डैश वाला है। इसको कुछ नहीं करना, इसके ऊपर यूवी रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन क्या आ गया, साइन एक्स एज इट इज ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस ये वाला ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन एज इट इज प्लस सी लगा दो, क्योंकि ये इंटीग्रेशन कटा, इंटीग्रेशन डन हो गई, तो बचा ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी, एंड वी आर डन। क्लियर है। अब ये देखो एफ एक्स एफ डैश एक्स, तो ई की पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन एज इट इज प्लस ई की पावर एक्स ओवर 1 + 1 x² डी एक्स इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/1 + x² सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस ये वाला एज इट इज ई की पावर एक्स 1/1 + x² डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस सी लगा दो, क्योंकि ये वाला पार्ट एग्जैक्टली कटेगा, तो फाइनल आंसर आया e की पावर x टेन इनवर्स ऑफ x प्लस c, डन। क्लियर हुआ, श्योर, ऑनलाइन क्लियर है, यस सर। चलो।